इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल कुछ नहीं, सिर्फ ये कि अपने आसपास अपने चेले चमाटे जमा किए हैं। पहले नवाज शरीफ अपने इर्द गिर्द वो काम करता था, अब ये करता तो फर्क, मगर फर्क ये है कि अब ये ऐसे लोगों को जमा कर रहा है जो उस नजरियाती तौर पर उसके ज्यादा नजदीक हैं, और क्योंकि उसे खुद कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं। हाँ, ऑक्सफर्ड तो गया था, लेकिन वहां से बल्ला घुमाता रहा। He didn't do any studying over there. और बात बिल्कुल वाज़े, जब वो मुंह खोलता है तो आपको पता चलता है कि he has never opened a book. ऐसी ऐसी बातें जो बंदा सुनकर हैरान रह जाता। मिसाल के तौर पर ये मुसलमान हैं जिन्होंने सोशलिज्म पहुंचाई है नॉर्डिक कंट्रीज को। तौबा। तो सर क्या कर रहे थे ये ऑक्सफोर्ड में, क्या पढ़ाई कर रहे थे? बिल्कुल जाहिल आदमी है ये। नहीं नहीं, पढ़ना शढ़ना कुछ भी नहीं था। बॉलिंग करनी थी, बैटिंग करनी थी, और फिर उधर की लड़कियों के पीछे दौड़ना था। तो बात मैं क्या बताऊँ, ये तो सब कुछ है। उस वो खुद कहता है, खुद क्या कहता है, उसकी इतनी वीडियोस हैं, इतना कुछ है। जो वो मशहूर था एज प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट, अब वो जो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो अब बिल्कुल सही सारा, खुद सब कुछ कर गुजरे और अब यहाँ पे चाह रहे हैं कि वतनी मदीना की रियासत बना दें और क्या करें। सर आपकी एक स्टेटमेंट और थी जिसमें आपने कहा पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान देयर इज अ एकेडमिक डिसऑनेस्टी। देखिए, ये यहाँ से वाजे है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, मेरा इनका कुछ तजर्बा है पिछले साल से, उसमें बेतहा चीटिंग होती है। हर एक स्टूडेंट पाकिस्तान में, चलिए जो नहीं करते वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं। नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, चीटिंग भी करेंगे, कोई उसमें कोई रोक नहीं है। तो ये ज़ियाउल्लाह की जेनरेशन है ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, के पूरी तरह से इनके अंदर धर्म घुसाया गया है, मगर ईमानदारी इन्होंने नहीं सीखी। तो चीटिंग को तो हमारे यहाँ कोई बुरा समझता ही नहीं है। अच्छा, अब एक बात तो ये है ना कि आप चीटिंग करें, लेकिन दूसरी बात ये कि आप कहें कि मेरा हक मनता है चीटिंग करने का, दैट आई हैव अ राइट टू चीट, और फिर उस पर वो जाकर मुजाहरा करते हैं, दे गो आउट एंड दे एक्चुअली प्रोटेस्ट एंड से वी नीड टू चीट। तो इतनी जब बेशर्मी हो जाए, अब मैं इसको क्या कहूँ कि इससे पूरा तालीमी निज़ाम का शिराजा बिखर जाता है। अगर मुझे भी उतने ही नंबर मिलते हैं चीटिंग करके जितना कि एक पढ़ाकू को मिलते हैं जो लगा रहता है सुबह से शाम किताबों में और अपने मजमून को समझता है, लेकिन ये जो लोग हैं जो चीटिंग करके ए ग्रेड हासिल करते हैं, अगर मुझे उसके बराबर किया जाए तो फिर मैं क्यों पढ़ूं? तो देखिए, अब मैं इस पर थोड़ी सी बात हो जाए कि ऑनलाइन चीटिंग और क्यों मैं इससे परेशान हूं। मैं वैसे ऑनलाइन टीचिंग को अच्छा समझता हूं, इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक अच्छा टीचर कई सौ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, हजारों को, और डिस्टेंस लर्निंग अगर वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, बहुत लोगों से, बहुत स्टूडेंट्स उसे सीख सकते हैं। लेकिन जहां तक इवैल्यूएशन की बात है, जहां तक ये जानना कि उस स्टूडेंट ने एक्चुअली किया क्या है, उसमें मैं एतबार नहीं करता स्टूडेंट पर। तो मेरा इसरार ये है कि आई विल हैव अ वाइवा विद दैट स्टूडेंट,
उसको जब तक मैं फोन पर या ऐसे स्काइप या जूम वगैरह पर न टेस्ट करूं तो मैं उसको कोई ग्रेड नहीं दूंगा। और मैंने ये देखा कि असाइनमेंट्स में तो वो 100 out of 100 लेते थे, लेकिन जब रूबरू बात होती थी तो किसी तो उनमें से, हाँ चलो दो तीन अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो ठीक जवाब दे देते, दे न्यू व्हाट दे हैड डन इन द असाइनमेंट्स, लेकिन जो असाइनमेंट पे 100 में से 100 निकालते थे, वाइवा में उनका 5 out of 100, 10 out of 100 या कुछ का 0 out of 100। तो अगर इस हद तक बेईमानी है, और फिर वो कायम है इस पे कि हम चीटिंग करेंगे और हम एहतजाज करेंगे, तो फिर तो मैं कहता हूं कि खुदारा आप पढ़ना लिखना छोड़ दें। प्लीज डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, डोंट वेस्ट योर ओन मनी चीटिंग से। तुम्हारा जाओ कहीं से कुछ डिग्री खरीद कर लाओ, इसकी भी तकलीफ क्यों करते। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर कोई सुनता है इस पे, कोई कुछ काम किया जा रहा है इस चीज को रोकने हाँ, के लिए? सुनते हैं। आप ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, देखिए मुझे ये चीटिंग के बड़े चीटिंग के होने के बारे में स्टूडेंट्स ही से पता चला, तो पूरे पाकिस्तान से मुझे ईमेल्स आ रही हैं, वो बता रहे हैं मुझे कि किस किस तरीके से चीटिंग होती है। एक तो ये कि आप चोरी छुपे की इधर कोई किताब रखी हुई है, चलिए वो, या फिर कोई फोन छुपाया हुआ है तो आपने उस सवाल को गूगल में डाल दिया, गूगल से जवाब आ गया, वो आपने फिर लिख दिया, वो नहीं हल हो सका, तो आंसर सर्विसेज हैं जो आप खरीद सकते हैं, खरीद कर आप फिर हर सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप ये बनाते हैं, क्योंकि वो आंसर सर्विसेज मुफ्त नहीं होती है ना, उसके लिए कुछ डॉलर खरीदने पड़, कुछ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हैं, दयानतदार स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान हैं, लेकिन जिन उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर कोई एक चीट करता है तो बाकियों पर भी ये जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कि वो भी करे, नहीं तो उसकी ग्रेड खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक बार खाता जा आपके स्टेटमेंट्स लेके बैठी कि मिस्टर जिना हैड नो आइडिया व्हाट पाकिस्तान वुड बी एंड व्हाट ही वाज क्रिएटिंग, तो आप इस स्टेटमेंट पे आज भी हैं या आप समझते हैं कि आपकी सोच बदल गई है? देखिए मेरी सोच की बात नहीं है, अगर तो बात उनके जहन में कोई वाजे होती, अगर वो बिल्कुल एक खास पाकिस्तान बनाना चाहते तो कहीं पर उन्होंने मंशूर भी लिखा होता ना, वो तैयार किया होता। आखिर वो सियासत में कितने साल रहे, 30 साल रहे, तो वो कोई मंसूबा तैयार करते, कोई मंशूर तैयार करते, कोई किताब लिखते, कोई मजमून लिखते, कुछ तो किया होता ना। तकरीरें तो खैर आपको पता है कि इधर ऐसी हो सकती है, उधर वैसी हो सकती है, कभी आप ये कहें, कभी आप वो कहें, कभी आप ये कहें कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क होना चाहिए, यहाँ शरीयत का नेपाज होना चाहिए, दूसरी तरफ आप। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है इमरान खान को लेकर क्या क्या डिस्कश होता है, इमरान खान का जो पास्ट है वो इमरान खान के फ्यूचर में हमेशा आड़े आता है, इमरान खान ने जो हरकतें की हैं पास्ट में उसकी बातें फ्यूचर में होती ही हैं। तो परवेज़ हुड भाई आप जानते हैं, जाने माने पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट हैं, काफ़ी लॉजिकल बातें करते हैं, और उन्होंने इमरान खान के बारे में एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, वहाँ से उन्होंने क्या मतलब गेन किया, तो उसका ही एक जवाब था। आपको बता दें इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो थे लेकिन पास कैसे हुए हैं उसका भी आपको पता है, बस बाउंड्री पर आकर पास हुए हैं, बुक्स तो उन्होंने खोली नहीं, वहाँ पर उन्होंने केवल की है लौंडियाबाजी लड़की बाजी, बस उन्होंने यही किया वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में, और इत्तेफाक से क्रिकेट में अच्छे थे तो क्रिकेट में उन्होंने खेल कर डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम में आए और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन उन्होंने जो मतलब एजुकेशन बेस्ड जो बातें करते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको लेकर बंदा जो
मतलब नॉलेजेबल बंदा है वो सर मार ले दीवार से, ऐसा ही कुछ परपे झुटबाई ने बताया कि आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो। ऐसी बातें करते कि इस्लाम से ही शायद वेस्टर्न कंट्री आज इतना आगे निकल चुकी है, मतलब ऐसी बातें जो कि जिनका सर है ना पैर है, इस तरीके की बातें परवेज झुटबाई ने बताई इमरान खान के बारे में। तो दोस्तों परवेज झुटबाई ने बोला है कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान में जो इस्लामी हैं वो और भी ज़्यादा कट्टर हो गए हैं और ये आगे चल के इससे भी ज़्यादा कट्टर हो सकते हैं और कोई भी सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो का अंत, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।